एबीपी गंगा ने उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटरों की असली तस्वीर आपको दिखाई थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं में हलचल है। सवाल ये उठ रहा है कि जिन प्रवासियों को सरकार लेकर आई है उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान कौन देगा। एबीपी गंगा की खबर से खलबली। सामने आई क्वारंटीन सेंटरों की कड़वी सच्चाई। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक में हलचल। प्रवासी लोगों को उत्तराखंड लाकर वाहवाही लूट रही प्रदेश सरकार ने क्या वाकई कोई बड़ा काम किया है, या फिर हवा हवाई दावे कर प्रवासियों का हमदर्द बनने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा ने प्रदेश सरकार के दावों की सच्चाई जानने के लिए कई क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। हमें ऐसा कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं मिला जहां पर सुविधाएं बेहतर हों। सबसे बुरा हाल नैनीताल के क्वारंटीन सेंटर का मिला, जहां पर एक बच्ची को सांप ने डस लिया था और सांप के जहर से बच्ची की जान चली गई। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता हरकत में आ गए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश खुद हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। उन्हें ग्राम प्रधान लोग बाकायदा सुबह शाम खाना भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे। बागेश्वर में लौटे प्रवासी लोगों की शिकायत की खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था। यहाँ क्वारंटीन सेंटरों में बिस्किट के सहारे युवा पेट भरने को मजबूर थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने परेशानी साझा की थी। आलू की मिली थी और पानी तैर रहा था और सुबह चाय आई थी उसमें पूरा पेंट था अंदर से। आलम यह है कि क्वारंटीन सेंटरों में लोगों को ना तो समय पर भोजन मिल रहा है, कई जगह बिजली पानी और शौचालय की भी दिक्कत है। ग्राम प्रधानों की शिकायत है कि उन्हें सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया गया, फिर वो इंतजाम कैसे करें। हम तो पूरी सहायता कर रहे हैं बच्चों की, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी से रहें, सारी सुविधा मिले उनको, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द हमारी ध्यान दें बच्चों पर जो क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटरों की असली हकीकत एबीपी गंगा ने आपके सामने रखी है, मगर सरकार को लगता है कि इसमें विपक्ष की साजिश है। प्रधान बंधु जो प्रदेश के हमारे गांव के सभापति हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनको आज के वक्त में किसी भी पॉलिटिक्स में ना पड़ के प्रदेश के हित में और मानव जाति के हित में उनको काम करना चाहिए, और जो आज सकारात्मक काम करेंगे उसी से उनके गांव में इमेज ये बननी है। इसलिए मैं कहूंगा कांग्रेस के इस बहकावे में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने प्रधान गणों को प्रभारी बनाया है, प्रधानों के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं आपने, लेकिन इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 305 ग्राम सभाओं में अभी तक प्रधान निर्वाचित नहीं हुए हैं। 210 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो कोरम के अभाव में उनका गठन नहीं हो पाया है, तो कहां से सरकार व्यवस्था कर पाएगी। क्वारंटीन सेंटरों की खबर दिखाने के बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ही दिन में हल्द्वानी और उधम सिंह नगर का दौरा किया, मगर विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सीएम ने क्वारंटीन सेंटरों में जाना क्यों मुनासिब नहीं समझा। मुख्यमंत्री जी यहां आए, डीएम के प्रोजेक्टर पर रिपोर्ट देखकर चले गए, क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि एक इंटीरियर पहाड़ के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते,
वो क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते, वहां जाते, घूमते और देखते क्या व्यवस्था है। एबीपी गंगा की खबर के बाद खलबली ऐसी मची कि मसूरी में एसडीएम वरुण चौधरी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एबीपी गंगा आपको क्वारंटाइन सेंटरों की सच्चाई दिखा चुका है। उधर विपक्ष भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि प्रदेश सरकार के दावे क्या वाकई धरातल पर दमदार नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा ने क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं की बदहाली को प्रमुखता से दिखाया था। यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और इन अव्यवस्थाओं का जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार भी अब एक्टिव हो गई है। तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स पर खास फोकस रखें और साथ ही अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।